सो ही गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ canva.com का बिगिनियर्स ट्यूटोरियल्स। सो आज की वीडियो एंड तक लास्ट में देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको canva.com का कुछ पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे वो आपको बताऊँगा। और कल जो वीडियो आएगी उसके अंदर आपको डिज़ाइन करके दिखाऊँगा। सो canva.com का इंटरफेस आपने अगर नहीं देखा तो डेस्कटॉप पर आप देख लेंगे मेरे, और आसान है बहुत यार। अभी खुद पर्सनली मैंने चलाया है तो देखा है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो, बहुत ही आसान है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। किस तरीके से होगा अभी डेस्कटॉप पर आपको बताऊंगा, बहुत आसान ट्यूटोरियल से। सो इस ट्यूटोरियल को समझ लेना तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी, थोड़े से ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। स्किल है या नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे इसके अंदर। सो आइए सिखाता हूँ आपको किस तरीके से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, छोटी मोटी चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हैं, और बनाने के बाद आप किस तरीके से उसको अपनी तरह एडजस्ट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। सो वीडियो में एंड तक रहिएगा। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है मेरा चैनल, और इसको यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा के यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आ रहा है इसको ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। सो आज मैं बात करने वाला हूँ canva.com पर, और ये है मेरी canva.com का होम पेज जो इस वक्त आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और मैं यहाँ से लॉगिन हूँ, अगर आप चाहें तो इसको लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करना आसान तरीका ये देख सकते हैं आप, गूगल से हो सकते हैं और फेसबुक से भी हो सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई बना के रखा है तो कंटिन्यू विद ईमेल कर सकते हैं, और अदर वे भी कर सकते हैं, बट मैंने ये वाली जीमेल से इसको लॉगिन करके रखा हुआ है। मैं यहाँ से लॉगिन हो सकता हूँ, ठीक है। सो हो जाता हूँ, अगर फिर भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको बता देता हूँ। कंटिन्यू गूगल पर चले जाएँ, यहाँ से जाके आपकी जो जीमेल है उसको सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद मैंने भी लगेंगे आपके, ये साइन अप हो जाएगा और लॉगिन हो जाएगा। सो गाइस, ये यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप ये डिज़ाइन कर सकते हैं, ये सेटिंग्स ऐसी हैं। और इसके बाद यहाँ पर अब आपको दिख जाता है हाइड मेन्यू, ठीक है। नीचे का सारा जो मेन्यू था वो चले गया है, एंड शो मेन्यू करेंगे तो ऑनेस्टली ये सारा मेन्यू आपका आ जाएगा। सो इसके बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हैं होम पर है, आप यहाँ बीच में हैं, मतलब फ्रंट पेज पे है ना, तो यहाँ पर होम पे आए हैं। टेम्पलेट्स पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सोशल मीडिया के सारे रिलेटेड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, पर्सनल मिल जाएंगे, बिजनेस मिल जाएंगे, मार्केटिंग मिल जाएंगे, एजुकेशन मिल जाएंगे, और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं बार आ रही है, इसको थोड़ा सा आगे करेंगे। सो आप यहाँ पर ट्रेंडिंग भी ले सकते हैं। सो सब चीज़ें इस पर अवेलेबल है। इसके बाद फ्यूचर्स में भी फोटोज़, आइकन्स, प्रिंट प्रोडक्ट, एप्स, एक्सप्लोर और डाउनलोड्स। इसके बाद लर्न पे जाएंगे तो यहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं, कैनवा 101, और ट्यूटोरियल्स भी हैं और बायो भी है। सो इसके बाद प्राइसिंग आ जाती है, ये अपन लोगों ने अभी अभी करा है फ्री, और जीमेल से करेंगे तो ऑलरेडी फ्री होगा, ठीक है। सो ये फ्री करा, इसके बाद प्रो आ जाता है, फिर इसके बाद इंटरप्राइज आ जाता है, फिर एजुकेशनल, फिर ये चलता रहता है, लेकिन हमने फ्री पे करा हुआ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखें, सो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं सब कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे हम जाते हैं यूट्यूब चैनल आर्ट, और ये देख सकते हैं बड़ी बड़ी हेडिंग लिख के आ गई है यहाँ पर आपके पास, और इसके बाद नीचे जाएंगे। सो अगर आपको इस तरह का कोई आइकन दिखे जहाँ पर प्रो लिखा हुआ आ जाए आपके पास, तो वो समझेगा कि ये पैसों का है, और इसके बराबर वाला भी पैसों का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। अगर मैं इसके करीब लिख जाऊँगा तो बैड आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास फ्री दिया हुआ है, एंड ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, इसमें ज़्यादातर फ्री भी दिए हैं और कमतर पैसों वाले भी हैं, ठीक है। सो तो अभी हम सिर्फ होम पेज के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या इसके अंदर मेन्यू हमें मिल जाए। सो इसके लिए यहाँ से आप कस्टम साइज़ भी ले सकते हैं, और इसी पर आप अपलोड भी कर सकते हैं। सो अगर आपको साइज चाहिए हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं, जैसे लोगों का चाहिए प्रेजेंटेशन, यानी ये आपको साइज मिल जाएगा, उस ये साइज मिल जाएगा। सो अब मैं आपको बता रहा था क्रिएटर डिज़ाइन के बारे में। सो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वीडियो का साइज आ जाएगा, प्रेजेंटेशन का आ जाएगा, लोगो आ जाएंगे, इंस्टाग्राम पोस्ट आ जाएगा, फ्लायर प्रोटेट आ जाएगा, और डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर कैटेगरीज हैं, और यहाँ पर आपको फेसबुक पोस्ट, डिस्प्ले मतलब डेस्कटॉप वॉलपेपर भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको यूट्यूब थंबनेल भी मिल जाएंगे, बिजनेस कार्ड भी मिल जाएंगे, ग्राफ भी मिल जाएगा, और इसके ना बहुत सी पर्सनल का भी है, जैसे मैं लाइक अगर आपको चाहे तो यहाँ पर आप बना सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें मैं आपको कल दिखाऊंगा अपनी वीडियो में। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको सिंपल यहाँ पर जो होम पेज पे है वो आपको दिखाया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर यू पे सारा, जैसे टिकटॉक के अंदर आता होता है फॉर यू और फॉलोइंग, सो वो आ रहा होता है, या फिर ट्रेंडिंग फॉलोवर फॉर यू आ रहा होता है, या फिर ट्रेंडिंग आ रहा होता है, तो इसी तरीके से ये भी है, फॉर यू पे सारा का सारा ये आ रहा है, और प्रेजेंटेशन पर सारा का सारा ये आ रहा है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके के यहाँ पर डिज़ाइन हमें मिल जाएंगे, और सोशल मीडिया के लिए हमारे पास ये सारा आ रहा है।
उसके बाद भी यहाँ पर वीडियोस भी हैं और मोर पे जाएंगे सो आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। सो आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है और आगे चल के अभी और आपको सिखाते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या है। सो अगर आप जा रहे हैं कि यहाँ से हम सिंपल चार्ट एंड टेबल्स, जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, अब यहाँ से क्या लिखा हुआ है चार्ट एंड टेबल्स, यहाँ से अब आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जैसे इस तरीके से। और ये ऑनेस्टली चार्ट बनाने के लिए काम में आता है, ठीक है, सो इसलिए मैं आपको बता रहा था, ठीक है। बट अभी मेरा ये मकसद नहीं है कि आपको अभी सिखाऊं कि क्या बन सकता है इससे क्या नहीं बन सकता, बहुत कुछ इससे आप बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। सो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताना था कि आप इसके अंदर इसका इंटरफेस कैसा है, इसको किस तरीके से आप यूज़ करना आसान तरीके से सीख सकते हैं, तभी मैंने छोटी वीडियो बनाई है आप सबके लिए, ताकि आप वीडियो को फुल वॉच कर लो, वरना फिर आप आधी देख के भाग जाते हो। सो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कर लेना और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो नीचे चैनल का रेड बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इस तरह का एक बटन होगा उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो नोटिफिकेशन है ना उसको ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि हमारी जो कल की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।